इस ट्यूटोरियल में हम सॉर्टिंग डेटा ऑन अ स्प्रेडशीट के बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि गूगल शीट के काम को ज्यादा पेशेवर और आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग टूल्स का इस्तेमाल होता है। उसी तरह जानकारी को ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए और समयोजना करने के लिए डेटा सॉर्टिंग किया जाता है। गूगल स्प्रेडशीट्स में ऊपर मेन्यू बार में डेटा मेन्यू में सॉर्ट शीट बाय कॉलम ए टू जेड और सॉर्ट शीट बाय कॉलम जेड टू ए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप शुरू करते हैं। यहाँ हमें प्राइस को ए टू जेड में सॉर्ट करना है, तो हम प्राइस का कोई भी सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा मेन्यू में सॉर्ट शीट बाय कॉलम जे ए टू जेड ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप देख सकते हो कि यहाँ प्राइस छोटी से लेकर बड़ी ऐसे समयोजना हो गई है, लेकिन जिस प्रकार का परिणाम हमें चाहिए वैसा नहीं है। पूरी शीट के अंदर काफी परिवर्तन आ गया है। हेडिंग नीचे की ओर आ गया है क्योंकि नंबर्स हमेशा पहले आता है और अल्फाबेट्स उसके बाद आता है। तो हम हेडिंग को फ्रीज करेंगे। ऊपर मेन्यू बार में व्यू मेन्यू में फ्रीज ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एक रो ऑप्शन को सेलेक्ट करने से शीट में मौजूद सभी रो फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज की वजह से अगर आप स्क्रॉल करोगे तो पहली रो के अलावा सारी रो स्क्रॉल की मदद से अप डाउन मूव होगी, जबकि पहली रो वही रहेगी। तो इस तरह आप फ्रीज का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ हम इसका इस्तेमाल सेटिंग्स के उद्देश्य से करते हैं। अब हमने जैसे आगे देखा कि डेटा मेन्यू में सॉर्ट शीट बाय कॉलम जे ए टू जेड ऑप्शन सेलेक्ट करने से हेडिंग की जो मुश्किलें हुई थी वो दूर हो गई है। लेकिन दोस्तों, सॉर्ट शीट बाय कॉलम ऑप्शन की मदद से पूरी शीट में सॉर्टिंग होगा, लेकिन अगर सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के लिए सॉर्टिंग करना हो तो आपको समझने के लिए हम यहाँ ऊपर से कुछ डेटा कॉपी करके नीचे सेल में पेस्ट करते हैं। अब इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सिलेक्शन की वजह से सॉर्ट बाय रेंज का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। हमने आगे जैसा देखा कि डेटा मेन्यू में सॉर्ट बाय रेंज ए टू जेड ऑप्शन सेलेक्ट करने से इस तरह आप सेलेक्टेड डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ जिस सेल में से सिलेक्शन स्टार्ट किया होगा उस सेल की कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग होगा। उदाहरण के मुताबिक अगर दूसरी तरह से सेलेक्ट करें तो यहाँ जिस सेल से स्टार्ट किया है उसकी कॉलम जे है, तो उसकी सॉर्टिंग जे कॉलम के मुताबिक होगा। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में सॉर्टिंग डेटा के बारे में चर्चा की।